सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आज गाइज मेरे पास आ चुका है एक बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन, लावा की तरफ से आने वाला लावा ब्लेज 2 स्मार्टफोन। और गाइज मैं लिटरली इस कंपनी से भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्यों गाइज यार जिस प्राइस रेंज में और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ फोन लॉन्च कर रहे हो गाइज काफ़ी बढ़िया निकल कर आ जाता है। और गाइज यहाँ पर बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पर आप लोग को एक सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसमें गाइज आप लोग को कवर और सिमिलर टूल देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यूजर मैनुअल वगैरह देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो आप लोग का फोन है वो गाइज देखने को मिल जाता है। हालांकि जो इस फोन का डिज़ाइन है वो गाइज काफ़ी किलर डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी बढ़िया मेरे को अट्रैक्टिव और काफ़ी तगड़ा डिज़ाइन लगा है। और गाइज ओवरऑल बोले तो डिज़ाइन को मैं बहुत ही बढ़िया मतलब मेरे को जहाँ तक लग रहा है गाइज डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया मतलब दिया गया है इस बार लावा की तरफ से। और गाइज यहाँ पर आप लोगों को टाइप सी चार्जर भी देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग केबल, उसी के साथ यहाँ पर 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। हालांकि गाइज मेरे को जो इस फोन का प्राइस है वो गाइज काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से फ्री फायर को इंस्टॉल करके गेम को ओपन करते हैं इस फोन में। सो गाइज यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया है। और गाइज हमेशा की तरह मैं आप लोगों को मैच स्टार्ट करने से पहले अपना सेटिंग और सेंसिटिविटी वगैरह दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो मेरा सेंसिटिविटी रहेगा वो सारा का सारा 100 पर रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर डिस्प्ले पे ग्राफिक्स क्या रहेगा, तो गाइज यहाँ पर मैं ग्राफिक्स मैक्स पर रखकर खेलने वाला हूँ। हाई रेजोल्यूशन भी हाई पर रहेगा, शेडो भी ऑन रहेगा, फिल्टर भी ऑन पर रहेगा और हाई FPS भी हाई पर रहेगा। ओवरऑल बोले तो गाइज सारा चीज़ हाई पर रखकर खेलने वाला हूँ। और लिटरली गाइज जो लावा इस टाइम मतलब काम कर रहा है ना, मतलब मेरे को नहीं लगता कि मतलब और सारी कंपनियाँ कर रही हैं, क्योंकि गाइज यार जिस प्राइस रेंज में और जितना बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन दे रहा है शायद ही और कोई कंपनी दे रही है। तो गाइज यार विदाउट टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग चलते हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एक बाय एक डिटेल मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, मतलब पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इस फोन का प्रोसेसर वगैरह कैसा है, डिस्प्ले वगैरह कैसा है, लास्ट में अपना भी ओपिनियन दूंगा। तो गाइज प्लीज़ मतलब मेरे ओपिनियन के लिए प्लीज़ वेट करना। सो गाइज यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। और गाइज अभी आप लोग जो गेम प्ले दिख रहे हैं वो गाइज खेला गया है लावा की तरफ से आने वाला लावा ब्लेज 2। और लिटरली बताओ तो गाइज मतलब इस टाइम जो लावा कंपनी काम कर रही है ना, लिटरली मेरे को नहीं लगता और कोई कंपनी काम कर रही है, क्यों गाइज यार अभी मैं आप लोग को इस फोन का जो प्राइस है वो बताऊंगा, उसके बाद जो प्रोसेसर वगैरह है, जो भी मतलब स्पेसिफिकेशन है वो बताऊंगा आप लोग को देख कर, मतलब लिटरली आप लोग बताना मतलब प्रोसेसर वगैरह और जो भी स्पेसिफिकेशन है वो प्राइस के हिसाब से कितना तगड़ा दिया गया है और आप लोग इस फोन को कितना रेटिंग दोगे। तो गाइज अगर मतलब ओवरऑल बात करें इस फोन के जो भी सारे स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में, तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। तो गाइज यार मेरे को इस फोन का प्राइस बहुत ज़्यादा क्लियर लगा, क्यों गाइज यार ये फोन आप लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे देखने को मिल जाता है अंडर 9000 में। और गाइज अंडर 9000 में पता है आप लोगों को कितना GB रैम और कितना GB स्टोरेज देखने को मिलता है, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। लिटरली गाइज अभी के टाइम पे वर्चुअल रैम देखने को मिल जाता है, मतलब 3 GB दे देंगे और 3 GB बढ़ाने को दे देंगे, बट गाइज यहाँ पर 6 GB मतलब जो रैम आता है वो गाइज देखने को मिलता है और 128 GB स्टोरेज देखने को मिलता है। लिटरली गाइज मेरे को काफ़ी ये मतलब काफ़ी बढ़िया लगा, प्राइस के हिसाब से 6 GB और 128 GB काफ़ी अच्छा लगा। उसी के साथ अगर बात करें प्रोसेसर, हालांकि गाइज देखो कंपनियाँ क्या करती हैं, अगर कैमरा बढ़िया देंगी तो गाइज प्रोसेसर कम कर देंगे, प्रोसेसर बढ़िया देंगे तो कैमरा कम कर देंगे, बैटरी कम कर देंगी, ऐसे कुछ करती रहती हैं। बट गाइज यहाँ पर आप लोग को प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है, यूनिसॉक का T616 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका गाइज अंततु स्कोर 250,000 के ऊपर आता है। और गाइज लिटरली बताओ तो ये जो प्रोसेसर है ये गाइज आप लोग को जो हीलियो G88 है या फिर हीलियो G85 है उससे तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है इस प्रोसेसर के साथ। और काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है इस बार लावा की तरफ से, जो मतलब जो मैं फ़ोन में गेम प्ले मतलब खेल रहा था, तो गाइज यहाँ पे अभी मैं मतलब जब मैं रिवाइव होऊंगा यहाँ पर जो मेरा गेम प्ले है वो गाइज आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा तरीके से और काफ़ी स्मूथ तरीके से गेम प्ले चल रहा है। और लिटरली बताओ तो हेडसेट वगैरह काफ़ी इजीली कनेक्ट हो जाते हैं इस फोन से और सेंसिटिविटी वगैरह भी काफ़ी तगड़ा इस फोन का दिया गया है। और गाइज लिटरली बताओ तो मतलब प्रोसेसर भी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी तगड़ा दिया गया है, क्यों गाइज यार देखो मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आप लोग को बहुत कम का जैसे हीलियो G37 देखने को मिल जाते हैं, ऐसे जैसे 227 ये सब मतलब हीलियो G27 वगैरह ऐसे प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। बट गाइज यहाँ पर यूनिस्टॉप का T616 काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और अगर बात करें इस फोन के कैमरे के बारे में, तो गाइस कैमरा भी इस फोन को काफ़ी बढ़िया दिया गया है, बैक में 2 कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट में आप लोग को 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले भी मेरे को इस फोन का काफ़ी इंप्रेस किया, इस फोन में आप लोग को 6.5 इंच का 19Hz वाला पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और लिटरली बताओ तो गाइस 19Hz देखने को मिल जाता है, वो भी गाइस अंडर 9000 में। तो गाइस क्या चाहिए यार आप लोग को बताओ, जो प्रोसेसर वो भी गाइस काफ़ी तगड़ा है, 19Hz डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाते हैं, कैमरा भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है, रैम और स्टोरेज भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है, बैटरी की बात करें तो गाइस 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, उसी के साथ 18W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और लिटरली बताओ तो गाइस मतलब जो भी इस फोन का स्पेसिफिकेशन है, इस स्पेसिफिकेशन के साथ मेरे को इस फोन का जो प्राइस लगता है, मतलब मेरे को मैं अगर कंपनी मतलब मेरा कंपनी रहा तो मैं इस फोन का प्राइस मतलब
11,000 रखता है, बट गाइज यहाँ पर 9,000 में आप लोग को इस फोन का मतलब देखने को मिल जाता है, तो गाइज काफ़ी अच्छी बात है। मैं तो बोलूँगा कि गेमिंग के लिए फोन काफ़ी तगड़ा निकल कर आ जाता है और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है इस फोन में। तो गाइज अगर ओवरऑल बोले तो इस फोन को आप लोग गेमिंग के लिए परचेस कर सकते हो, काफ़ी तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस फोन में। हालांकि इस टाइम लावा बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। तो गाइज यार यही था आज का वीडियो। जय हिंद जय भारत।